रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम तमाम प्रदेशों के साथ। हमारी हर जुमेरात को ये वीडियो आते हैं, इसमें हम थोड़ी तफसील से बात कर लेते हैं कि रियाल भाई अभी हमें भेज देने चाहिए या वेट कर लेना चाहिए, ऐसा ना हो कि भाई नुकसान हो जाए, और यानी कि अगर हम इंतज़ार करते रहें और ऐसा भी हो सकता है कि भाई तकरीबन 4 लाख पाकिस्तानी रुपए तक फ़ायदा हो जाए। अभी आप सोच रहे हैं कि 4 लाख रुपए तक कैसे फ़ायदा हो जाएगा, भाई ये बता, ये क्या तू बात कर रहा है। मैं आपको ये एक दो बातें थोड़ी समझा देता हूँ, आप खुद ही समझ जाएंगे। वैसे जितने भी परदेसी भाई हैं, खासकर जो मेरे पुराने भाई हैं जिनको 10 ईयर प्लस में, 10 साल प्लस में हो गए हैं सऊदीया में, वो मेरी बात से ज़रूर भाई इत्तेफाक करेंगे। नए जितने भी गए हुए वो भी ज़रूर इंशाल्लाह एग्री करेंगे। अच्छा, मैं बात ये करने लगा हूँ कि कभी वैसे हमारी हिस्ट्री में ऐसा हुआ है कि हमने रियाल रखे और रियाल का रेट 2-4 माह 6 माह के बाद नीचे आ गया और हमें नुकसान हो गया, कभी ऐसा हुआ है? हाँ, मैं मानता हूँ कि रियाल का रेट 82-82 पर गया था एक दफ़ा, और उसके बाद नीचे आया, आहिस्ता आहिस्ता नीचे आता आता अभी तकरीबन 73 से 74 के अराउंड में है। ऐसे ही है जी, बिल्कुल अभी यानी कि रियाल का रेट 82 से थोड़ा नीचे आया है, जो कि अब मज़ीद दोबारा बढ़ना शुरू हो चुका है। ठीक है, मैं पहले जो वीडियो लगा चुका हूँ उसमें चीज़ का जिक्र कर चुका हूँ मैं, रियाल का रेट मज़ीद दोबारा बढ़ना शुरू हो चुका है और पाकिस्तान ओपन मार्केट में भी तेज़ी है, डॉलर का रेट भी बहरहाल ऊपर जा रहा है रोज़ बरोज़। तो इस बार ऐसा कुछ देखने को मिला, और वो भी मैं बोलता हूँ कि 82 के ऊपर जब पहुँचा था वो भी चंद दिन ही रहा है, उसके बाद नीचे आना शुरू हुआ था। अभी बहरहाल इस वीडियो में बात ये करेंगे कि अगर मिसाल के तौर पर अगर किसी परदेसी भाई के पास ऐसा ना हो ना, ये भी आपको बता दूं मैं, कि रियाल का रेट भाई 70 पर आ जाए और हमें नुकसान हो जाए, और अगर ऐसा भी हो सकता है रियाल का रेट 100 पर चला जाए, 100 पर यार, आग पहले अगर 82 पर ओपन मार्केट पाकिस्तान में तकरीबन 85 पर जा चुका था, तो भाई 100 के ऊपर भी जा सकता है। अच्छा, मैं तमाम वो मेरे दोस्त अखबाब भाई जो अक्सर मुझे वीडियो के नीचे कमेंट करते हैं, ये बात भी सुन लें, अक्सर मेरी वीडियो के नीचे कमेंट करके मुझे बोलते हैं कि भाई तू पाकिस्तानी है या कौन है, तू पाकिस्तान के हक में बात नहीं करता है यार, तू बोल रहा है अच्छा रियाल महंगा, और यार मैं देखे मैं पाकिस्तानी अलहमद, हम परदेसी सब पाकिस्तानी आप ही के भाई हैं, हम यहाँ परदेश में कमाते हैं, चाहे वो मेरा परदेश में दरहम कमाता चाहे रियाल कमाता है। यार मेरी एक बात सुनिएगा, इस बात का गुस्सा मत कीजिएगा, मैं रियाल का रेट रोज़ बताता हूँ, रियाल का रेट ऊपर जाए मैं परदेशियों को उसकी अच्छी खबर सुनाता हूँ, अच्छी खबर इसलिए सुनाता हूँ कि यार जब हमने पाकिस्तान पैसे भेजने होते हैं ना, हमारे पैसे ज़्यादा चले जाते हैं, हमें खुशी होती है, हमारी फैमिली को खुशी होती है। बाकी अगर सोचिएगा जो हम पाकिस्तान भेजते हैं वो किधर खर्च होते हैं पाकिस्तान में, अगर मिसाल के तौर पर मैंने यहाँ पर 15,000, 20,000, 10,000 या 5,000 रियाल जोड़ कर सेफ करके रखा हुआ है, मैंने किधर लेकर जाना है यार, एक दिन पाकिस्तानी लेकर आना है ना, मैंने इधर ही खा जाना है या कहीं इंडिया ले जाना है यार, एक दिन मैंने घर आना है, वो जितने भी रियाल मेरे पास होंगे वो मैंने पाकिस्तान ही लेकर आने हैं। हाँ, जो मेरे भाई दरहम कमाते हैं जी, और दरहम का ही मार्केट तेज़ है जी पाकिस्तान में, और जो मेरे भाई परदेसी यानी कि सऊदीया वाले, वो भी अगर आप भी दरहम लेना चाहते हैं रियालों की निस्बत तो खरीद सकते हैं, क्योंकि दरहम की मार्केट रियाल की निस्बत पाकिस्तान में तेज़ है, तकरीबन 2 रुपए का डिफरेंट है रियाल और दरहम में पाकिस्तान में जी, 2 रुपए महंगा होता है दरहम रियाल की निस्बत, ये कन्फर्म बात है। अच्छा जी, अगर बात कर लें, इस एक चीज़ मैं आपको बताने लगा था जो आपको मैंने स्टार्टिंग में बताई, अगर 4 लाख तक का फ़ायदा हो जाए, अब अच्छा आप सोच भी ये कैसे, मैं आपको बता देता हूँ, अल्लाह ताला की ज़ात हर परदेसी को नवाजे जी। मैं बोलता हूँ अगर किसी परदेसी भाई के पास 15,000 रियाल सेफ है ना, मैं अच्छा होता ये है अगर किसी के पास 5,000 सेफ है, 10,000 सेफ है, 7,000 है, 20,000 है, 50,000 है, आप खुद ही कैलकुलेट करके देख लीजिएगा, लेकिन मैंने एक फिगर रखा है 15,000 रियाल अगर किसी परदेसी भाई के पास सेफ है तो वो भाई कैसे फ़ायदा इस चीज़ का उठा सकता है, सुन लें। अगर तो रेट भाई जाता है, मैं पहले नफ़ा नुकसान तो भाई ये ज़िंदगी का हिस्सा है, और आपको भी पता है कि जो आपके हाथ से मौका या चीज़ जाती रहे उसके ऊपर अफसोस नहीं करना चाहिए, ठीक है जी, वो अल्लाह ताला की ज़ात का, अल्लाह ताला की ज़ात के ज़ात से हुक्म है। हाँ, जो 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 चीज़ आपको फ़ायदा दे, जिस चीज़ आपको फ़ायदा हो उसके ऊपर फिर हमें अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए, ये ज़िंदगी का हिस्सा है नफ़ा और नुकसान, ठीक है, लेकिन आपके भाई के मुताबिक इंशाल्लाह फ़ायदा ही होगा इंशाल्लाह ताला अल्लाह के हुक्म से। अच्छा, बहरहाल 15,000 रियाल एक बंदा सेफ करता है जी, रेट आ जाता है थोड़ा डाउन हो जाता है 70, जैसा कि अभी 73 से 74 के अराउंड में रेट भाई थोड़ा डाउन होकर रेट 70 के ऊपर आ जाता है, एक भाई ने 15,000 रियाल सेफ किए हुए हैं, इसकी तो भाई लग गई ना कितने की, तकरीबन
45 से 50,000 का नुकसान हो गया ना, अगर 3 से 3.5 डॉलर सॉरी रियाल नीचे आ गया तो 15,000 इसके पास सेफ है। तो भाई इसकी तो कितने की लगी, 45 से 50,000 का नुकसान हो गया जी, बिल्कुल हो गया मैं मानता हूँ जी, लेकिन आपके भाई के नज़दीक रेट नीचे 70 पर नहीं आएगा, इंशाल्लाह ताला रेट ऊपर जाएगा। और अगर सुन लें, अगर रेट 100 पर चला गया, 100 पर चला गया, अच्छा इसमें आप 80 पर चला गया तब भी आपको पता है कि 6-7 रुपए बढ़ जाएगा, 82 पर चला गया, 90 पर चला गया, 95, अगर मिसाल के तौर पर मैं मिसाल दे रहा हूँ, अगर रेट भाई 100 पर जाता है तो फिर इस 15,000 को पता है कितना फ़ायदा होगा, 3,90,000 या 4,00,000 रुपए पाकिस्तानी सिर्फ 15,000 रियाल के पीछे। जी मेरे भाई, अगर कोई मेरा परदेसी भाई आने वाले 2, 4, 6 माह या 1 साल के बाद छुट्टी आना चाह रहा है, जैसे कि वीडियो को स्टार्टिंग में बता चुका हूँ मैं, हमने रियाल पाकिस्तानी एक दिन लेकर आने हैं, मेरी बात का बुरा मत मानिएगा, हमें रियाल का रेट बढ़ता है तो हमें खुशी होती है यार, इससे पाकिस्तानी जितने मेरे भाई वीडियो देखते हैं वो इस बात का गुस्सा मत करें, रियाल हमने एक दिन पाकिस्तानी लेकर आने यार। अच्छा, अगर कोई परदेसी भाई आने वाले 2, 4, 6 या 1 साल के बाद छुट्टी जाना चाह रहा है, अभी से सेविंग कर रहा है, उस टाइम तक अगर वो मिसाल के तौर पर अगर उसके पास अभी भी सेफ है अभी भी, या उस टाइम तक अगर 15, 20, 10, 20, 15, 30 जितने भी रियाल वो बचा सकता है, जितने हज़ार, तो भाई उस टाइम के हिसाब से रेट इंशाल्लाह ताला अप होगा। और अगर 100 को क्रॉस कर गया, 100 का फिगर लग गया, तो भाई तकरीबन 4,00,000 रुपए तक का फ़ायदा है। और ये 15,000 रियाल को मैंने कैलकुलेट करके आपको बता रहा हूँ मैं, इसमें ज़्यादा भी कुछ भाइयों के पास होते हैं और कुछ के पास कम भी होते हैं, ये बात मेरी सॉरी याद रखिएगा। अच्छा, दूसरी बात ये है जी, मैं वीडियो को चलो ख़त्म करते हैं, लास्ट में ये बोलते हैं, आज का रेट आपको मैंने जैसे कि पहली वीडियो में बता दिया 73 रुपए 20-30 पैसे से लेकर 73 रुपए 40-50 पैसे के अराउंड में है पाकिस्तान ओपन मार्केट में भाई, 73-30 से लेकर 73-50 के अराउंड में है। ये पहली दफ़ा वैसे ऐसे सीन सामने आ रहे हैं कि आप वहाँ से बेच रहे हैं, आपको 73-20-30 लग रहा है और पाकिस्तान में 73-30-40-50 दे रहे हैं, हालांकि आपको पता था पाकिस्तानी और सऊदी में जब हमें 1 रुपए का तो कन्फर्म है डिफरेंट मिलता था, तो वैसे बीच में भाई 2-3 रुपए का डिफरेंट भी आ चुका था। तो तमाम परदेसी भाई जितने भी सऊदी में बैठे हुए हैं यार, देखें नफा नुकसान जिंदगी का हिस्सा है, मैंने आपको पहले बता दिया है, लेकिन आपके भाई के नज़दीक रियाल ऊपर जाएगा अगर कोई मेरा परदेसी भाई सब्र करता है। हाँ, अगर किसी को फैमिली में ज़रूरत है तो वो अभी भेजे, मैंने ये बोलता कि मत भेजे, फैमिली में ज़रूरत है अपनी ज़रूरत के तहत उनको पैसे भेजें, वो अपनी ज़रूरत पूरी करें, घर के अखरा जाता है, 100 मामला आता है, ऊपर से गंदम आई हुई है पाकिस्तान में, मुझे भी फ़ोन आ गया। अच्छा, बहरहाल ये मामला ऐसे चलते रहते हैं। और दूसरी बात ये कि ज़रूरत के तहत पैसे भेजें, अगर आपके पास इजाफी हैं तो आप यहीं पर सेव कर लें, उनको दरहम लेकर रख लें, डॉलर लेकर रख लें, डॉलर हमें सऊदी से आसानी से मिल जाते हैं, पाकिस्तान में मुश्किल है, आप डॉलर लेकर रख सकते हैं अपने पास, दरहम लेकर रख सकते हैं, रियाल भी सेफ रख सकते हैं, वो आपकी मर्ज़ी है। तो जब जाना चाह रहे हैं आप भाई 2, 4, 6 मंथ के बाद, उस टाइम साथ लेकर जाइएगा सभी के सभी, आपको एयरपोर्ट के ऊपर कोई नहीं पूछने वाला, आप 40-50 हज़ार रियाल साथ लेकर जा सकते हैं, नो टेंशन। कुछ दिन पहले मैंने आपको बताया भी था, एक भाई मेरी वीडियो देखते थे, 20,000 रियाल और 20,000 दरहम लेकर गए हैं पाकिस्तान, तो अल्हम्दुलिल्लाह वो फ़ायदा उठा रहे हैं, तो उस टाइम साथ लेकर जाइएगा इंशाल्लाह ताला, आपको भाई आज की मेरी बात याद रखिएगा, उस रेट के हिसाब से यानी कि जब आप जाएंगे उस टाइम जो रेट होगा और आज के रेट के हिसाब से खुद ही देख लीजिएगा भाई कितने लाख का फ़ायदा हुआ। बहरहाल मैंने आपको 15,000 के हिसाब से कैलकुलेट करके तफसील बता दी, अगर आपके पास 5,000 है तो आप खुद ही उसको कैलकुलेट करके चेक कर सकते हैं।